19 नवंबर को सामाजिक संगठन ने लोगों की मदद कर एक लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर अहिल्यापुर ने फिर दिया जनता का साथ। देखिए ये रिपोर्ट। जागरूक अभियान के साथ ही साथ छठ महापर्व के शुभ अवसर पर संगठन के सभी लोगों ने पूरे गांव, मार्केट, गली, मोहल्ला में स्वच्छता अभियान भी चलाया। आपको बता दें, सामाजिक संगठन मदद के महासचिव श्री मानिक पंडित ने बताया कि घाट के सभी रास्तों में विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, जगह जगह मेडिकल कैंप, घाट जाने वाले सभी रास्तों में स्थान स्थान पर कोरोना महामारी से सतर्क रहने के लिए स्थान स्थान पर पोस्टर, स्टिकर, बैनर लगाए जाएंगे और साथ ही रास्तों पर जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण भी किया जाएगा। घाट बनाए जाएंगे, साथ ही घाटों पर क्लॉथ चेकिंग रूम भी उपलब्ध कराया जाएगा और निशुल्क मास्क का वितरण किया जाएगा। इस बहुमूल्य प्रयास में पूरे गांव के लोग और अन्य पंचायतों के अधिकारी और व्यक्ति इसी कड़ी में स्वच्छता अभियान में जुट गए। HBN न्यूज़ की खास रिपोर्ट। हमारे यहां जो गांव में कुछ समिति जैसे मदद एक प्रयास है और कुछ है, महाकाल है, शिव समिति है, छठ पूजा समिति है, तो मदद एक प्रयास बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। बराबर छठ पूजा में पूरे गांव का, गांव से लेकर के छठ घाट तक साफ सफाई करना और फल है, दूध है, वितरण करना। कभी कोई गरीब का कोई समस्या आ गया तो इन लोग बढ़ चढ़ करके साफ सफाई अभियान पर आप लोग विशेष ध्यान देते हैं। इसमें भीड़ भी काफ़ी संख्या में होते हैं यहाँ के श्रद्धालु जो होते हैं, और आप लोगों का सहयोग का कितने संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं ये कुछ बताइएगा एक अंदाजा। करीब 1000 के लगभग आते हैं श्रद्धालु। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1000 की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं और अपना महिमा यहाँ दिखाते हैं, और लोगों का यही प्रयास है कि साफ सफाई हो, जिसके कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत। जैसे मदद एक प्रयास इस बार जिस तरह महाकाल सेना की तरफ से यहाँ पर छठ व्रतियों के लिए कपड़े बदलने की उत्तम व्यवस्था की जा रही है जी, उसी तरह मदद एक प्रयास के तरफ से भी छठ व्रतियों के लिए कपड़े बदलने की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। मदद एक प्रयास के तरफ से जगह जगह पर बैनर लगाया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा, इस कोविड महामारी को देखते हुए लोगों को प्रेरित किया जाएगा मास्क एकदम निश्चित रूप से पहनने के लिए, सामाजिक दूरी का अनुपालन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। साथ ही यथासंभव हर संभव मदद के लिए मदद एक प्रयास सदैव तत्पर रहेगा। जी जी, धन्यवाद।